अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। इसके लिए हमने ये आधा किलो चिकन लिया है, इसको धो साफ कर लिया और इसमें हम मसाले डालेंगे। ये दिखाते हैं कोरमा बनाएंगे। ये दो गंठी प्याज हमारे दो गांठ बड़ी बड़ी हमने इसको लंबा लंबा काट लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसमें ये मसाले डालेंगे इनकी पेस्ट बना के। ये देखो ये 4 से 5 बादाम है, 10-12 ये दाल मखाने, इसको हमने फ्राई कर लिया था पहले, टुकड़े हैं ये काजू के 10-12, और ये 1 चम्मच खसखस है, खसखस 1/2 चम्मच, और ये नारियल को बुरादा है 1 चम्मच। इसको हम सबको पेस्ट बनाएंगे और ये हम जो है ये इसको दही में मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और ये मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी, ये सब इसको मिला के हम इसको मैरिनेट करेंगे। और इसमें तेल डाल दिया। अब हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे। आप जिस मर्जी में बना सकते हैं, चाहे रिफाइंड में बनाओ किसी चीज़ में, हम सरसों के तेल में बनाते हैं। अब बनाएंगे फिर देखेंगे। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमने ये दही डाल दिया, ये हमारा पैकेट था ही, इसमें से हमने आधा दही डाल दिया, आधा पैकेट 100 ग्राम। अब इसको हम अदरक लहसुन के साथ और ये मसाले के साथ हम इसको मिक्स करके रखेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालिए आधा चम्मच। इसको सबको हम मिला के उसके बाद हम बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया। इसमें हमने दही डाल दिया और मसाले डाल के और इसको मिला के रखेंगे। अभी हमने पेस्ट बनाई थी, अभी जो मसाले दिखाए थे खसखस बादाम काजू और ये नारियल का बुरादा, ये सब और मखाने भी थे, इसको सबको हमने पेस्ट बना ली। इसको बाद में डालेंगे बना के। और ये अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे अपनी गोल्डन ब्राउन होने तक। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज तब इसको हम कुरकुरी हो जाएगी मतलब गोल्डन फ्राई, उसके बाद निकाल के दरदरा सीखेंगे फिर इसको डालेंगे। और ये कुछ हमारे खड़े मसाले हैं, ये इलायची हैं 4, ये हरी इलायची, ये 2-3 तेज पत्ते हैं, 4-5 लहसुन है, ये काली मिर्च है और थोड़ा सा ये मोटी इलायची है, ये सब हम करके मिला देंगे। अभी हमारे प्याज हुए देखो ये ग्राउंड हो गई। अब इसको हमने निकाल लिया, इसको दरदरा पीसेंगे। और ये हमारा तेल हुआ, इसमें हम ये मसाले डालेंगे खड़े मसाले। उसके बाद हम इसमें अब इसमें हम चिकन डाल देंगे, चिकन डालेंगे। अभी हमने अपना चिकन जो है इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ी देर, जब तक दही पानी छोड़ा है इसने, इसी में हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम इसे भूनेंगे, फिर उसके बाद ये पेस्ट बनाइए ये और ये प्याज वह सब बाद में डालेंगे दरदरा पीस। अभी तो हम इसे भूनेंगे थोड़ा, पकने देंगे अभी इसे। चिकन कोरमा वैसे तो कई तरह से बनता है, प्याज हम इस तरह से बना रहे हैं, हमने डाली है। अब अभी हमें इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच ये धनिया पाउडर डाल दिया हमने। अब इसी में हम अभी नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, हम तो इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, इसको हम मिला देंगे। इसमें हमने नमक और धनिया पाउडर भी डाल दिया, 2 चम्मच धनिया डाला और 2 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब ये सब कुछ भूनना है। अब इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे, हमने बनाई थोड़ा सा ये लहसुन अदरक की महक निकल जाए और ये जो है हमने हल्दी डाली थी उसकी महक निकल जाए, उसके बाद हम ये पेस्ट डालेंगे। अभी हमने इसमें प्याज भी डाल दिया, प्याज दरदरी करके डाल दी जो हमने फ्राई की, इसको थोड़ा भून के, अब जब ग्रेवी रखनी है थोड़ा सा पानी डालेंगे, 10-15 मिनट हल्की मीडियम गैस पे इसको पकाएंगे, उसके बाद बन गया दिखाते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया,
अभी थोड़ी देर पकेगा, उसके बाद में इसको अभी ढक के रख देते हैं मीडियम गैस पे, उसके बाद देखें। अब आप देख सकते हैं ये हमारा चिकन कोरमा जो है बन के तैयार है। अब इसको हम सर्व करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।